स्टूडेंट्स वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस में डेटा ऐड कैसे करना है। मीन्स कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का डेटा जो रिट्रीव कर रहे थे डेटा ग्रिड में, अगर कोई नया स्टूडेंट ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा कार वर्किंग ये होगी कि हम एक बटन लगाते हैं डेटाबेस में डेटा ऐड करने के लिए। जब उस बटन पर यूजर क्लिक करेगा तो वो एक नया फॉर्म ओपन होगा, एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर कुछ फील्ड्स लगी होंगी और उन फील्ड्स में डेटा यूजर एंटर करेगा और सेव के बटन पर क्लिक करेगा तो वो डाटा ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि एक बटन लगा लेते हैं जी। ये बटन मैं यूज करूंगा जी, इसको मैं कह रहता हूँ BTN एड न्यू स्टूडेंट, और इसका कंटेंट भी लिख देता हूँ जी एड स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट्स जब इस पे क्लिक हो तो एक नई विंडो ओपन होनी चाहिए, तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नई विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। दिस इज एड न्यू स्टूडेंट, इस विंडो का नाम है जी। इसके विड्थ और हाइट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जी। मैं यहाँ पे दो कॉलम क्रिएट कर देता हूँ जी। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस यूज करूंगा। इन टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए मैंने कुछ एक्सएमएल पहले से बना रखी है, मैं उसको एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। फॉर द टाइम सेविंग जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उनको रीनेम करना है, लाइक जैसे आपने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ये टेक्स्ट बॉक्स आपने नेम के लिए बनाया, इसी तरह से दूसरे टेक्स्ट बॉक्सेस और एक कम्बो बॉक्स हम लोग यूज करेंगे जी। एक और स्टूडेंट्स एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मैंने कम्बो बॉक्स के अंदर डिस्प्ले मेमर पाथ में एक प्रॉपर्टी लिखी है नेम की और सिलेक्टेड वैल्यू पाथ में लिखी है आईडी की। मींस के जी यूजर को जो डिस्प्ले होगा डिपार्टमेंट के नाम होंगे, लेकिन यूजर इन डिपार्टमेंट के नाम में से जब कोई चीज कोई नाम सेलेक्ट करेगा तो उस नाम की आईडी पास होगी। लेकिन डिपार्टमेंट की दो चीजें हैं, एक आईडी है और एक नेम है। नेम डिस्प्ले होंगे और आईडी सेलेक्ट होके बैकएंड पे जाएगी, तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। और ये आईडी और नेम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट के जो नेम है डिपार्टमेंट के अंदर आईडी जो मैंने रखी है वो कैपिटल में रखी है और नेम के स्पेलिंग एन कैपिटल के साथ है। सो मेक श्योर अगर आप लोग यही स्पेलिंग यूज कर रहे हैं तो इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आता है और इस वजह से उनके डिपार्टमेंट्स के नेम या आईडी यहाँ पे पास नहीं हो रही होती जी। स्टूडेंट्स मैंने एग्जाम्पल पहले से लिखी हुई थी, उसको मैं टेक्स्ट पेस्ट कर रहा हूँ जी। और मेरे पास ये विंडो बन गई, जिस विंडो में ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जी। दिस इज ये एडिट के लिए नहीं है जी, एड स्टूडेंट इन्फो जी। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाया है जी, ये फादर नेम के लिए, ये एड्रेस के लिए, ये CGPA के लिए और ये डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट के लिए मैंने कम्बो बॉक्स लगाई है जी। स्टूडेंट्स ये मैंने इंटरफेस डिजाइन हो गया। अब मैंने मेन विंडो पे इस ऐड बटन के स्टूडेंट पे ये एक इवेंट हैंडलिंग लगानी है कि जब इस पे क्लिक किया जाए तो मेरे पास विंडो शो होनी चाहिए न्यू स्टूडेंट ऐड करने की। तो उस विंडो का नाम है जी एड न्यू स्टूडेंट विन इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और इसको मैं कह देता हूँ जी विन डॉट शो शो एज ए डायलॉग बॉक्स, शो एज डायलॉग। ये स्टूडेंट्स मैं डायलॉग बॉक्स के तौर पे इसलिए शो करवा रहा हूँ कि जी आपकी मेन विंडो ओपन रहेगी और ये यदि डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जब तक डायलॉग बॉक्स को कोई रिस्पॉन्स ना करे मेन विंडो पे आप दोबारा नहीं जा सकते।
इसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी होगा, या तो आप इसको ओके या कैंसिल करेंगे, ठीक है जी। ओके सो इस मेन विंडो पे ऐड स्टूडेंट का आ गया। अब इस ऐड स्टूडेंट पे अभी तक जो काम हुआ है मैं दिखा देता हूँ। अभी तक सिर्फ ये हुआ है, एरर ये इसलिए आया कि जी मैंने बटन पे ये बटन क्लिक इवेंट हैंडलर लगाया हुआ था लेकिन उसको आगे लिखा नहीं हुआ था। नो इशू, जी स्टूडेंट जस्ट इंटरफेस बना। अब इस इंटरफेस में देखिए अभी डिपार्टमेंट्स भी शो नहीं हो रहे, ये भी हमने करना है और बाकी ये सारी चीज़ें हम फिल करेंगे। ऐड पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ऐड पे क्लिक करें तो इसमें ऐड हो जाए। अब ये इस पे रिस्पॉन्स नहीं करूँगा तो ये ओके जी। तो स्टूडेंट्स मैं इस ऐड के बटन के पीछे कोडिंग करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसी के ऐड न्यू विंडो की कोड बिहाइंड फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स के अंदर कुछ आइटम्स ऐड करवाऊंगा जो कि डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट चूँकि डेटाबेस से आने चाहिए तो मेरे पास प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए डीबी कंटेक्स्ट क्लास का, यूएस डीबी डीबी न्यू यूएस जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कॉम्बो बॉक्स, उसका नाम था जी कॉम्बो बॉक्स डिपार्टमेंट डॉट आइटम सोर्स इज इक्वल्स टू डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट टू लिस्ट जी। तो ये डिपार्टमेंट्स को ऐड कर देगा आइटम सोर्स के अंदर, ठीक है जी। जी अब हम जाके एक दफा इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखिए डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं जो डिपार्टमेंट्स आपके पास ऑलरेडी एडिट है। ओके तो नेक्स्ट काम ये करना है जी, हमने ऐड स्टूडेंट पे जाके इस ऐड के बटन पे कोड करना है। कोड हमने ये करना है कि जब इस ऐड के बटन पे क्लिक किया जाए तो जो नया स्टूडेंट जिसकी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं वो डेटाबेस में सेव हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टेप वन ये होगा कि आई विल क्रिएट ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट जिसमें मेरे पास है जो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की क्लास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट की क्लास मॉडल की नेम स्पेस में है जो कि क्रड ऑपरेशन डॉट मॉडल्स की नेम स्पेस मुझे ऐड करनी पड़ेगी तब इसमें वर्किंग होगी। स्टूडेंट एसटीडी इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और एसटीडी डॉट नेम इज इक्वल्स टू टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट स्टूडेंट डॉट एड्रेस इज इक्वल टू टीएक्सटी डॉट CGPA is equals to, अब चूंकि CGPA float में है तो इसलिए मैं float dot parse का function use करूंगा txt CGPA dot text और इसके बाद मेरे पास है कि father name is equals to txt father name dot text और department id is equals to, अब चूंकि डिपार्टमेंट आईडी मेरे पास इंटीजर में है तो मैं ये करूंगा कमा बॉक्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी डॉट सिलेक्टेड वैल्यू जी। तो इसकी जो सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो इन 32 में कन्वर्ट होके डिपार्टमेंट आईडी में आ जाएगी। तो अब मेरे पास
स्टेप टू ये है कि आई विल एड दिस ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस। डेटाबेस में ऐड करने के लिए मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था डीबी डॉट, इसके साथ में लिखता हूँ जी स्टूडेंट्स डॉट एड, और इसमें स्टूडेंट पास कर दूंगा और डीबी डॉट सेव चेंज इसकी कमांड एड कर दूंगा, तो ये डेटाबेस में वैल्यूज को चेंज कर देगा। और यहाँ पे मैं डायलॉग रिजल्ट इज इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा जी, कि डायलॉग का रिजल्ट कंप्लीट हो गया है, अब वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, जी अगर आप चाहें तो ये इतना हिस्सा ट्राई कैच के अंदर रख सकते हैं। ट्राई कैच का मतलब ये है कि जी आप इसके साथ में इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर रहे हैं। ट्राई के अंदर वो कोड होता है जिसमें एक्सेप्शन रेज होने का कोई चांसेस होते हैं, कैश के अंदर आप एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, एक्सेप्शन ईएक्स, और अगर जो भी एक्सेप्शन आए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैसेज बॉक्स डॉट शो ईएक्स डॉट मैसेज जी, तो इसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर जो भी मैसेज आएगा वो आपको शो हो जाएगा। अगर कोई डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती या कुछ भी इस तरह से, तो आपको चाहिए कि ये इतना ही था ट्राई कैच के अंदर रखें जी। ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं। एड स्टूडेंट नेम है जैसे अली अहमद लाहौर पाकिस्तान, सी जी पी ए 3.4, और डिपार्टमेंट है मेरे पास सी एस आई टी, और एड कर दिया तो ये ऐड हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे डाटा ग्रिड रिफ्रेश नहीं हुई इसलिए वो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी हम कोड करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोजेक्ट दोबारा रन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ऐड हो चुका है जी। ये देखें जी, ये अली के नाम से मैंने था जो ऐड किया, ये लास्ट वन पे है, ये अब ऐड हो चुका है जी। सो आप अगर चाहें कि ये फौरी इसको होना चाहिए रिफ्रेश, तो आप मेन विंडो में जाके एक और काम कर लें विन डॉट शो डायलॉग के बाद, यहाँ पे डाटा ग्रिड को अगेन डाटा ग्रिड डॉट आइटम सोर्स इज इक्वल टू डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट कर लें, और डाटा ग्रिड डॉट आइटम्स डॉट रिफ्रेश जी। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो वो वकार खलील लाहौर पाकिस्तान 3.5, और इसका डिपार्टमेंट भी आईटी है। ये देखेंगे फॉइड यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, अपडेट हो रहा है जी। सो डेट वाज ये आपका छोटा सा टास्क था कि जिसमें हम लोगों ने सीखा कि डेटाबेस में डाटा ऐड कैसे किया जाता है जी। थैंक यू जी स्टूडेंट्स, अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस डाटा ग्रिड पे। इस डाटा ग्रिड के अंदर स्टूडेंट थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत है। इस डाटा ग्रिड में अभी तक स्टूडेंट मैं अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखा रहा हूं, तो अभी स्टूडेंट का नेम फादर नेम एड्रेस और CGPA तो शो हो रहा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है वो हमने हाइड किया हुआ है, नहीं दिखा रहे। सो डिपार्टमेंट वाला कॉलम भी शो करना चाहिए। अब जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम शो करने के लिए मैं यहाँ पे, चूंकि डिपार्टमेंट मेरे पास डायनामिक आ रहे हैं, मेरे पास एक चीज़ यहाँ पे देखें कि हर स्टूडेंट के लिए, आप यहाँ पे देखें हर स्टूडेंट के लिए मेरे पास
डेटाबेस में डिपार्टमेंट की आईडी है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट की आईडी तो यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम के तौर पे नहीं शो करवाना चाहूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी इज़ नॉट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर द यूज़र। यूज़र को तो उसका नाम डिस्प्ले करवाना है। सो मैं यहाँ पे कम्बो बॉक्स यूज़ करूँगा, कम्बो बॉक्स कॉलम, ठीक है। और कम्बो बॉक्स कॉलम में मैं इसमें कम्बो बॉक्स कॉलम के अंदर सबसे पहले इसमें डिस्प्ले मेंबर पाथ लिखूंगा कि डिस्प्ले होना चाहिए नेम, और सिलेक्टेड वैल्यू मेंबर वैल्यू पाथ लिखूंगा आईडी के, आईडी सिलेक्ट हो, और इसके अलावा सिलेक्टेड वैल्यू बाइंडिंग। तो सिलेक्टेड वैल्यू बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बाइंडिंग दूंगा जो कि है डिपार्टमेंट आईडी के नाम से, क्योंकि देखें यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट के अंदर क्या चीज़ है जी, डिपार्टमेंट आईडी शो है लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लिखूंगा जी, ठीक है जी। दिस इज नाउ सफिशिएंट। और इसकी विड्थ मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ, विड्थ हम इसकी 100 कर देते हैं जी, शायद 100 will not sufficient जी, 120 कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और काम हमें करना पड़ेगा, इस कम्बो बॉक्स का कोई एक नाम रखना पड़ेगा, एक्स नेम सी एम वी कम्बो बॉक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और इस कम्बो बॉक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैं ये कोड बिहाइंड फाइल में जाके लिखूंगा जी कम्बो बॉक्स डिपार्टमेंट डॉट आइटम सोर्स इज इक्वल्स टू डीबी डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट, कि जी डेटाबेस से डिपार्टमेंट की लिस्ट जनरेट हो और वो यहाँ पे कम्बो बॉक्स डिपार्टमेंट के साथ बाइंड हो जाए। तो अब आप देखिएगा कि मेरे पास हर स्टूडेंट के साथ ये भी शो हो रहा है, और अगर ये देखें यहाँ पे ये कम्बो बॉक्स के अंदर ये भी शो हो रहा है, ठीक है जी। सो इस तरह से हाँ यूजर के साथ उससे रिलेटेड चीज़ें शो हो रही हैं। ओके अब फ्रेंड्स अगला काम मैं ये करना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे एक डिलीट का बटन होना चाहिए और एक एडिट का बटन होना चाहिए, जहाँ से जिस रिकॉर्ड को मैं चाहूँ उसको डिलीट कर सकूँ। ओके मैं वेन विंडो में वापस आता हूँ जी। एक तो एक काम ये कर देते हैं कि इसका हेडर अभी नहीं लगाया था, तो हेडर लगा देते हैं। ओके अगला काम मैंने ये करना है कि एक टेम्पलेट कॉलम लेना है, और इसमें डॉट सेल टेम्पलेट जी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखूंगा जी डेटा टेम्पलेट। अब डेटा टेम्पलेट के अंदर लिखूंगा बटन, बटन का कोई एक नेम लगा दूंगा, नेम btn del, और इस पे कंटेंट लिख दूंगा डिलीट। ओके जी, तो अब आप देखिएगा कि एक और कॉलम आ जाएगा जिस कॉलम में डिलीट के बटन भी नजर आ रहे होंगे मुझे डाटा ग्रिड के साथ। ये देखेंगे ये डिलीट का बटन मेरे पास आ गया, मैं चाहूँ तो इस डिलीट के बटन को यहाँ पे कोई इमेज भी लगा सकता हूँ या कुछ और इस तरह की चीज़ भी कर सकता हूँ ताकि डिलीट का बटन मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नजर आए जी। तो मैं फॉरग्राउंड रेड कर देता हूँ ताकि मुझे डिलीट प्रोमिनेंट हो रेड कलर का। ओके जी,
अब स्टूडेंट्स करना ये है कि जी इसका इवेंट हैंडलर लिखना है जी, लाइक इस पे जब क्लिक हो तो ये न्यू इवेंट हैंडलर मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ से इसके कोड पे चला गया जी, ये आ गया जी BTN डेल क्लिक। ये स्टूडेंट्स इस पे अब हम लोगों ने लिखना है कि जिस रिकॉर्ड को मैं सेलेक्ट करूँ वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड हमने गेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा जी, मैं करूँगा स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज इक्वल्स टू डाटा ग्रिड डॉट सेलेक्टेड आइटम एज स्टूडेंट। एज स्टूडेंट से क्या होगा कि ये सिलेक्टेड आइटम को ये टाइप कास्ट करेगा और वो स्टूडेंट के तौर पे कास्ट कर देगा यानी कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट में वो स्टूडेंट आ गया जिसको यूजर ने अभी सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट मैंने ये काम करना है कि स्टूडेंट को डिलीट करना है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक वार्निंग के लिए मतलब कोई एक मैसेज बॉक्स शो करवा सकता हूँ जिसमें मैं यूजर से पूछूँ कि जी तुम वाकई इसको डिलीट करना चाहते हो, आर यू श्योर, ताकि अगर यूजर ने एक्सीडेंटली उस पर क्लिक किया है तो वो उसको नो पे क्लिक करके वापस आ सके, अंडू हो सके। इफ मैसेज बॉक्स डॉट शो और इसमें मैं लिखता हूं जी आर यू श्योर डिलीट, और इस पे मैं बताता हूं कि जी कि किस किस्म का मैंने जी किस किस्म का मैंने शो करना है मैसेज बॉक्स बटन यस और नो। और साथ में आइकॉन भी बताऊंगा मैसेज बॉक्स इमेज जिसमें मैं क्वेश्चन की इमेज इसमें ऐड करूंगा। मीन्स के जी यूजर से पहले पूछा जाएगा जिस ऐसा आपके पास बटन शो होगा जिसमें मैसेज बॉक्स में यस नो होगा और इसमें आइकॉन क्वेश्चन का बना होगा। अगर शायद एक पैकेट ज़्यादा थी मैंने ख़त्म कर दी। नहीं जी अब मैंने ये करना है इफ यूजर यस पे प्रेस करता है तो ये हो जाए जी डी पी डॉट स्टूडेंट डॉट रिमूव और इसके अंदर मैं लिखूंगा जी सेलेक्टेड स्टूडेंट। डीबी डॉट सेव चेंजेस
ओके लाइक मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो मुझे पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू डिलीट. अगर मैं येस पे करता हूँ तो ये डिलीट हो चुका, मगर अभी मेरे पास डाटा ग्रिड रिफ्रेश नहीं हुई तो मुझे अगेन डाटा ग्रिड को रिफ्रेश करना पड़ेगा. रिफ्रेश करने के लिए ये दो चीज़ें मुझे दोबारा लिखनी पड़ेंगी. देखिएगा जी जी साथ ही वो डिलीट हो गया. तो ये इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं जी.